गुड इवनिंग। प्रोग्राम लाइन ऑफ कंट्रोल में हम अहम कौमी, इलाकाई और बैनुल अक्वामी उमूर पर रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर ब्रिगेडियर आसिफ हारून से उनकी माहिराना राय लेंगे। मेरी कोशिश होगी कि प्रोग्राम में सिर्फ मेज़बानी के ही फ़राइज़ सर अंजाम दूँ और अपनी डिबेटिंग स्किल्स का मुजाहरा ना करूँ। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं ब्रिगेडियर आसिफ हारून की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम दानिश। सर, पिछले हफ्ते मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया है। अच्छी बात है कि साल में हमने चंद एक दिन कश्मीर के लिए मखसूस कर दिए हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम फिल्म और ड्रामे बनाने और नए नगमे रिलीज़ करने के अलावा क्या कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल ज़रूर मैं करूँगा आपसे कि पार्लियामेंट में कश्मीर से मुतालिक करारदादे मंजूर करने और नाइजेरिया और सोमालिया के सफीरों को मसला कश्मीर समझाने के अलावा हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ना जी, हमारा जो सबसे बड़ा एक डिस्प्यूट है जिसको हम बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं और जगुलर वेन भी कहते हैं और इंडिया उसको अटूट अंग कहता है, तो ये सबसे बड़ा जो है तनाज़ा है हमारे दरमियान और इंडिया के दरमियान, और ये आज का नहीं है, ये 1947 से है जब उसने इलीगली जो है ना कश्मीर को ऑक्यूपाई किया। वो दिन और आज का दिन जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है वो वहीं का वहीं है और वो उसके कब्जे में है। पहले भी वो उसके कब्जे में था, 5 अगस्त 2019 के बाद उसकी नौइयत चेंज हो गई, उसको जो थोड़ी बहुत जो एक लिबर्टी दी थी, स्पेशल स्टेटस दिया था, वो भी उन्होंने छीन लिया है। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं तो बड़े साफ अल्फाज में ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने किसी स्टेज पे भी कोई एक कॉम्प्रहेंसिव लॉन्ग टर्म कश्मीर पॉलिसी नहीं बनाई। बस जो है वो एक ही रखा कि जी प्लेबिसाइट, यूएन रेजोल्यूशन, लेकिन कोई नैरेटिव नहीं बनाया, कोई एक केस को बिल्डअप नहीं किया, उसको फॉलो अप नहीं किया। जो सबसे पहली बार जो धचका जो मिला कश्मीर पॉलिसी को, वो आपको मालूम है कि 1972 में जो शिमला एग्रीमा हुआ, तो LOC बना दी हमने सीज़फ़ायर से और बायलेटरिज्म की तरफ चले गए। अब बायलेटरिज्म जो है हम उसमें एक बंद गए, गो के हम वो कैसे थे कि नहीं जी ये हमें जो है वो थर्ड पार्टी की मदाखलत को बंद नहीं किया, लेकिन हकीकतन इंडिया ने उसको उसी तरीके से ही सोचा कि अब जो है ये जो है ना इंटरनेशनल लेवल से वो हट के ये हमारे दरमियान एक डिस्प्यूट है, हम इसको रिजॉल्व करेंगे। उसमें कश्मीरों को उन्होंने थर्ड पार्टी उस वक्त बनाया भी नहीं था कि ये हमारा और उनका है। वो जो है ना वो चलता रहा, और उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि आउट ऑफ बॉक्स पॉलिसी भी एक आ गई जनरल मुशर्रफ के वक्त में, वो और धचका लगा एक कश्मीर को, और जो ये डेमोक्रेटिक एरा जो आपका ये गुजरा उसमें हमने एक मुकम्मल तौर पे एक पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट रखी, इंडिया को खुश रखने की ये कोशिश की, और हमने जो उधर उन्होंने इतनी सेक्रीफाइसेस कर रहे थे कश्मीरीज, और एक आर्म्ड रेजिस्टेंस किया, हर किस्म की कुर्बानियां दी, उन्होंने सख्तियां झीली, लेकिन हमने तो उसको कैश इन नहीं किया। हम इसी खौफ से, डर से कि हमें टेरर स्टेट न डिक्लेयर कर दे, तो हमने कोई प्रोएक्टिव काम वहाँ नहीं किया। अब जब अगस्त 2019 का वाकया आया, जाहिर है कि इंडिया उस वक्त अपने आप को डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरली बहुत अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा था। पाकिस्तान को एक आइसोलेटेड कंट्री समझ रहा था, वॉर ऑन टेरर में हम फंस चुके हुए थे 2001 के बाद से, तो उसने एक बेहतरीन मौका जाना और उसने उस पर एक उसकी एनेक्सेशन कर ली। अब जब इतना बड़ा एक कदम उठा लिया, तो जो हम कह रहे थे कि जगलर वेन जगलर, तो वो तो उसने अपने हाथ में ले ली, तमाम पानी जो है आपका वहां से आता है, उसके बगैर जो है मुल्क चल नहीं सकता, और उसके अलावा भी कश्मीरियों के साथ हमारी एक जो है ना जो अलहाक है, जो जो चल रहा है, जो उनको हम आज तक हम कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ हैं और हम मिलके ये जंग लड़ेंगे और आज़ादी दिलाएंगे, तो फिर वो दिन और आज का दिन, ये इस पर कोई भी बड़ा अरसा गुजर गया, तो हमने तो इसको सिर्फ एक वेट एंड सी पॉलिसी की तरफ जो है हम एक गामजन हैं। हम ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि शायद इंडिया में जो है ना कोई तब्दीली आ जाए, चेंज ऑफ हार्ट आ जाए, वो नरमी आ जाए, और वो इसमें कुछ जो है वो जो है कुछ छूट दे दे, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो तो हर कदम आगे ही बढ़ा रहा है, पहले उसने एनेक्सेशन की, दो यूनियन टेरिटरीज उनको बना दिया,
अब जो है उसने डोमिसाइल्स का वाला जो ना सिलसिला शुरू कर दिया, डेमोग्राफी चेंज करनी शुरू कर दी, नॉन मुस्लिम्स को, हिंदूज को वगैरह सबको जो है ना बाहर वालों को सेटल करना शुरू कर दिया ताकि वहां की उनकी मेजोरिटी को जो है ना माइनॉरिटी में करे, जैसे उसने जम्मू में किया था। और उसके साथ जेनोसाइड का वाकया शुरू है, साथ साथ वो उनके जो यूथ है उनको वो मारता चला जा रहा है। तो वो तो अपना कामयाब ही होता जा रहा है ना जी, तो ये तो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो वो अगर हम इसी तरह हम ये देखते रहे तो फिर कल हम किसको रोएंगे और क्या करेंगे, क्योंकि जहां तक मिलिट्री ताकत का ताल्लुक है वो उसने जो है कन्वेंशनल पावर भी बहुत मल्टीप्लाई कर ली है, न्यूक्लियर पावर भी और मिसाइल पावर भी अपनी वो ये कर ली है। तो वो उस लिहाज से मैं ये इसको ये देखता हूँ। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मैं मानता हूँ कि हमने बहुत ज्यादा जो है ना इस वक्त प्रोएक्टिवनेस दिखाई है जो कि पहले नहीं थी, और उसका रिजल्ट भी आया है। पहली दफा इंडिया का जो अगली चेहरा है वो दुनिया को हमने दिखाना शुरू किया, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं मिले। मिलिटरली जो है हम जो है उसी तरह अपीजमेंट और डिफेंसिव के ऊपर है, और उसके बरक्स इंडिया ने क्या किया है, 2002 से लेके आज तक 80,000 से ज्यादा हमारे शहीद कर दिए हैं और जख्मी की तादाद तो लातादाद है, और वो जारी और सारी है, अब भी वो जारी और सारी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, हम तो बस सिर्फ यही है कि वहाँ अफसोस कर देते हैं, उधर जाके कंडेम कर देते हैं और कोई वार्निंग दे देते हैं, और दैट इज इट। जहाँ तक अजायम है इंडिया के, वो मोदी ने कह दिया कि मैं पहले तो 2 लाख हुआ था पाकिस्तान, कर दिया था हमने, अब हम 4 टुकड़ों में इसको काटेंगे, और वो बिल्कुल ओपनली ये थ्रेट देता है और वो बात करता है। जी ठीक है। अच्छा सर, ये अगले मौजू की तरफ मैं बढ़ता हूँ। इस साल के आगाज़ पे पाकिस्तान ने चाइना से J-10 फाइटर जेट्स का एक पूरा स्क्वाड्रन ख़रीदा था। अच्छा, इसी तनाजुर में इसराइली अखबार हेरिट्स में एक खबर शाये हुई थी 5 जनवरी को, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने चाइना से जो तैयारे ख़रीदे हैं ये हम 30 साल पहले बनाना ही बंद कर चुके। अखबार में ये दावा किया गया कि 1980 में इसराइल की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ने इसे बनाना शुरू किया था, लेकिन सिर्फ 7 साल बाद उसकी प्रोडक्शन रोक दी गई थी। और एक चीज़ मैं और मेंशन करूंगा उसी खबर में से कि 2017 में इसराइली एयरफोर्स के वेपन्स डिपार्टमेंट के साबिक सरबरा ने लिखा कि हमने इस जहाज के मंसूबे को मनसूख करके मुल्क को एक माशी होलोकॉस्ट से बचा लिया है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये इतना ही कॉस्टली और लो एफिकेसी प्रोजेक्ट है तो हम किस बात पर खुश हो रहे हैं? देखिए जी, इसमें वो दो चीज़ें हैं जो आपने ये बात की है। एक, आपने J-10C जेट्स जो है उसकी बात की है कि जी खबर ये है कि जी एक स्क्वाड्रन जो है 25 जेट्स जो है वो चाइना ने पाकिस्तान को दे दिए हैं, एक बात। दूसरी बात जो ये हो रही है कि ये जो J-10C है ये वर्जन है लार्वी जेट्स का, जो कि एक वक्त में 1980s में अमेरिका ने जो है ना ये अलाउ किया था कि ये हम उनके लिए इसराइल के लिए जो है ये बिल्ड करेंगे। आपको तो पता है कि अमेरिका और इसराइल का कितना डीप रूटेड गठजोड़ है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। तो वो हुआ भी, ग्राउंड के ऊपर आया भी, लेकिन 1988 में बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है अबंडन हो गया। फिर ये भी एक मैंने खबर पढ़ी इसी के सिलसिले में कि जी ये टेक्नोलॉजी जो है लार्वी की, ये उन्होंने खरीद ली या इन्होंने उनको इसराइल ने उनको बेच दी, गो के इसराइली जो उनके बड़े हैं उन्होंने इस खबर को डिनाई किया है कि हमने ऐसी बात नहीं है। और मैं भी ये समझता हूँ कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अमरीका और इसराइल का गठजोड़ है और उनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, और चाइना अगर अमेरिका का दुश्मन है तो इसराइल का भी उसी तरह जो है ना वो दुश्मन है, तो वो क्यों उसको वो जो है वो देगा। जो जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है तो इसने तो अपनी जितनी भी ये डेवलपमेंट की है वो मिक्स एंड मैच बेसिस के ऊपर उसने की है। हाँ, उसने अमेरिकन टेक्नोलॉजी को कभी नहीं लिया, उसने यूरोपियन टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया है, यूक्रेनियन, रशियन और जगह से मिला, और उसमें से फिर इसने बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस किया है।
अमेरिकन टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं किया कि वो फॉरेन सैंक्शन लगा देते हैं और यू नो एम्बार्गोज वगैरह लगा देते हैं। तो वो उस बेस पे ये जो है ये चाइना की ये अपनी ही काविश है। और ये जो है ये 2006 का जिक्र है जबकि हमने जो है ना JF-17 थंडर्स की शुरुआत की थी और फिर हम जॉइंट प्रोडक्शन की तरफ चले गए थे। तो ये उस वक्त जो है हमारा ये एक डेलीगेशन वहाँ बड़ा सीनियर जो है बीजिंग में गया था और उनको उन्होंने ये जो है ना J-10C जो है ये उनको वहाँ दिखाया था अपना कि जी ये हम इसको जो है ना डेवलप और प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज उन्होंने उसको डेवलप कर लिया है। दूसरा ये है कि कोई बईद नहीं कि अगर आज नहीं तो कल ये जहाज भी इंडक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों जो चाइना और पाकिस्तान जो है गो के इनकी रिलेशनशिप तो 59 से बिल्डअप हुई और मोस्ट ट्रस्टवर्दी दोस्त है हमारा, लेकिन अब ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो गया है। दोनों के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स कॉमन एनिमीज हैं और सीपैक ने इन दोनों को बिल्कुल जोड़ दिया हुआ है। सिक्योरिटी एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री हो गई हुई है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि हमारा इस वक्त मेन स्टे जो है वो JF-17 है जो कि हम मास प्रोडक्शन पे हम चले गए हैं और मुल्कों को हमने एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया है। तो अब वहाँ उन्होंने राफेल इंडक्ट कर दिया है। उनको मालूम है कि जी ये जो हम लास्ट एयर क्लैश हुआ था उनका पुलवामा के बाद तो वो हमारी 100% जीत हुई। ये उनको एक बड़ा एक सेटबैक था इंडिया को, तो इसलिए उन्होंने राफेल जो है वो लेके आए चाइना की तरफ, हिमालयस की तरफ भी वो थ्रेट रखने के लिए और पाकिस्तान को भी खबरदार करने के लिए। लेकिन ये जो जेट एंड सी हैं चाहे वो उनके पास है इनके पास है, कल अगर वॉर होती है तो क्या ख्याल है कि वो पाकिस्तान को नहीं देगा? क्या हम कॉमनली एक दूसरे के एयरफील्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या ये गवादर जो कि कमर्शियल जोन है वो कल नेवल बेस नहीं बन सकता? बनेगा अगर जरूरत पड़ी तो। ये तो यू नो बिकॉज ऑफ दी ग्राउंड रियलिटीज जैसे भी हैं वो उस तरीके से होंगे। अब दोनों जो हैं वो इस वक्त जो है ना आपस में इनकी बड़ी मजबूत गठजोड़ है और सबसे बढ़कर ये है कि रशिया ऑन बोर्ड आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो कि अभी इस रीजन में हो रही हैं। अच्छा सर, 16 जनवरी को साबिक मेजर जनरल साद खटक ने कराची प्रेस क्लब में अपनी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस की और उन्होंने इसी के साथ अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का भी आगाज़ कर दिया। तो ये पहला मौका नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर होने वाले ऑफिसर्स जो हैं वो मुल्क के सियासी धारे में शामिल होना चाह रहे हैं। हमारे पास एयर मार्शल असगर खान की मिसाल मौजूद है, उनकी पार्टी थी तहरीक इस्तकलाल, तो कुछ स्ट्रीट पावर उसके पास ज़रूर थी लेकिन कोई रुकन उसके टिकट से मुंतखब नहीं हुआ था। इसी तरह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिटिकल पार्टी है, उसका हाल हम सबके सामने है। तो अब जनरल खटक भी मैदान सियासत में आ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मिलिट्री में 30 से 40 बरस गुजारने के बाद ऑफिसर्स जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे सिंक हो सकते हैं? मतलब मिलिट्री की एक पूरी हायरार्की होती है, एक चेन ऑफ कमांड होती है। मैंने तो पॉलिटिक्स को सुना भी है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको वैसे भी कन्वे कर दिया हुआ है कि दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी नंबर वन। अब आप देखें कि आपने एयर चीफ मार्शल अजहर खान साहब की मिसाल दी। अब अगर उनका बैकग्राउंड देखें तो मेरा ख्याल है उनसे बेहतर इंसान आपको बहुत कम मिलेगा। उसने जमीन के ऊपर अपना प्रूफ किया एज एयर चीफ मार्शल 65 वॉर में और जो एयर फोर्स में किया और फिर PIA में किया, बाकी उनके जो थे सारे सिलसिले। उसके बावजूद भी जो तहरीक इस्तकलाल है वो पावर में नहीं आ सकी और वो बिल्कुल उसी तरह हवा में ही रहे। उसके बाद आप जनरल मिर्जा बेग को ले लें, उनकी अवामी क्याद पार्टी कहाँ चली गई, गायब होगी। हालांकि ये एयर चीफ एयर आर्मी चीफ थे और इनको भी एक बड़ी एक एडवांटेज थी, कुछ भी नहीं हुआ। फिर जनरल मुशर्रफ का भी आपने मिसाल दे दी कि उन्होंने भी पार्टी बनाई, वो भी हवा में तहलील हो गई। तो ये तो एक आर्मी चीफ थे और एयर चीफ मार्शल थे, इनके इनको एक बहुत बड़ी एक एडवांटेज थी, वो कामयाब नहीं हो सके। और सब में जो है दमखम था, बड़ी वो अच्छी उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज भी ये थी, तो कामयाब नहीं हुए। ठीक हो गया जी। अब जहाँ तक फौजियों का ताल्लुक है तो जनरल भी ब्रिगेडियर भी कर्नल हर रैंक के जो है आपकी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में मौजूद हैं, खासकर PMLN PMLQ पीपल पार्टी में।
वो है, लेकिन किसी ने कोई ऐसी कोई कारकर्दगी दिखाई है कि जी हम कहें कि हाँ जी ये जो है इन्होंने बेस्ट, जैसे कि इन्होंने अभी 10 का एक अवार्ड दिया तो उसमें कोई जनरल जो था उसका भी वो बता देते। हाँ वो बात सही है, लेकिन वो बात सारी ये है कि जनरल साहब का मैं मानता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन अफसर हैं, उनमें बड़ी क्वालिटीज़ है, उनमें बड़ा अज़म है, और वो ये बता रहे हैं कि मैं ग्रास रूट से ही हूँ, अपना बैकग्राउंड सारा वो ये बताते हैं कि गरीब फैमिली से आया और वो जानते हैं ग्रास रूट लेवल के प्रॉब्लम एंड फलाना, वो सारी बातें तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो गया कायद आज़म के बाद, अगर किसी ने लोगों के दिल जीते और वो पॉपुलर हुआ तो वो थे, नाकाम हो गए। इमरान खान को देख लें, वो भी एक और उसी तरह का एक पॉपुलर लीडर उभरा, आज देखें कि उसकी पॉपुलरिटी ग्राफ कहाँ ये गिर गई है, ये आर्मी चीफ की जो मैंने जो रूल किया उनका भी वो देख लें। तो ये एक पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स क्या चीज है, उसमें क्या है, डिसीट, लाइज, करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग, हेरा फेरी, यही सब कुछ है ना जी, नथिंग एल्स। तो उसमें आप छलांग लगाना चाहते हैं बगैर, विदाउट एनी बैकग्राउंड एंड बेसिस, तो आप उसी में फिर गर्क हो जाएंगे, डूब जाएंगे, या फिर आप इमरान खान को तो 24-25 साल लगे ना फिर पावर में आने के, तो ये तो एकदम आके तो कह रहे हैं कि जी कल मैंने जो है ना किसी इकतदार में भी आ जाना, ये तो हो नहीं सकता ना, मुमकिन नहीं है। तो ठीक है, नेक ख्वाहिशात है मेरी उनके लिए, कहूँ उनको अल्लाह उनको कामयाब करे जी। ठीक है, ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान हो गया है। मैं इसके मजाक का खेस टाइटल पर नहीं जाता कि ये पहली पॉलिसी है या दूसरी पॉलिसी है, इसकी अहम बात जो है वो ये है कि इस पॉलिसी के मुताबिक हमने जियो स्ट्रेटेजिक के बजाय अब जियो इकॉनमी पर तवज्जो देनी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के लिए जो भारत के साबिक हाई कमिश्नर शरद सबरवाल थे, उन्होंने एक कॉलम लिखा और कहा कि अगर पाकिस्तान जियो इकोनॉमी पर काम करना चाहता है तो भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल किए बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हमने इस हवाले से होमवर्क कर लिया है कि हमें अब भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। देखिए जी, इस बात को अब जवाब देने से फिर हमें कुछ थोड़ा बहुत नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो बनी और इतनी बातचीत हो रही है, इतनी डिबेट हो रही है, कुछ थोड़ा बहुत हमें इनका बैकग्राउंड का जो है इल्म होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो मैं इसको थोड़ी वजाहत कर दूं। बिल्कुल कीजिए। तो ये कहना कि जी ये फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है और पहले हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बगैर ही चलते रहे, तो मैं इस चीज़ को मानने से इनकार करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं इस बात को एंडोर्स करता हूँ कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने सिक्योरिटी से निकलकर जो इकोनॉमिक्स को तरजीह दे दी है और शिफ्ट जो है वो ह्यूमन सिक्योरिटी बजाय इसके कि स्टेट सिक्योरिटी की, ये शिफ्ट ज़रूर जो है जो कि उनके कहने के मुताबिक उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक वो चीज़ जो है ये मैं मानता हूँ। तो अब बात वो सारी ये है कि ये कहना कि जी नेशनल सिक्योरिटी पहले पॉलिसी पहले बनी है, मैंने खुद वॉर कोर्स किया हुआ है, हर साल वॉर कोर्स और NDCA दो इकट्ठे चलते हैं एक साल के, और एंड ऑफ द कोर्स पे हमने एक जॉइंट पेपर बनाते हैं, वो तमाम सीनियर मिलिट्री और सिविल लीडरशिप आके उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दिया। ये और बात है कि उसको एक डॉक्यूमेंट की शेप में जो है ना कभी नहीं दिया गया, हर साल वो एक जो है ना हम एक फीडबैक दे देते थे कि अब के हालात ऐसे हैं और अभी हमें इस तरह जो है वो ये करना चाहिए। तो फिर 1980s और 90s में आपने देखा होगा कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और रेडिकलिज्म ये जो है ना एक और थ्रेट नमूदार हुई, जो कि 2001 के बाद तो एक स्टेज आ गया 2011-12 में, जबकि जनरल कियानी ने खुद कहा कि सबसे बड़ा हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो इस टेररिज्म और इस्लामिक रेडिकलिज्म जो है ना की वजह से है, और ये इसकी नौीयत उस वक्त बड़ी जबकि ये पता चला कि टेररिज्म सारा जो है उसको इंडो US इसराइल अफगान नेक्सस जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है और आज तक वो उसको जो है ये सपोर्ट कर रहा है। तो वो बात सारी ये है कि ये सारी चीज़ें जो है इस तनाजुर में हमें आज तक जो है ना हमारा जो फोकस रहा वो सिक्योरिटी की तरफ रहा, और इस वजह से जो है ना इकॉनमी हमारी जैसे कि टेक ऑफ करनी चाहिए थी वो नहीं उसने टेक ऑफ की, बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, इंडिया ने कभी हमें स्टेबलाइज होने नहीं दिया, वो उसने इस तरह की रखने डाले, उसने मेडलिंग की
और हमें कुछ नहीं किया, क्योंकि एक पाकिस्तान की इकॉनमी को प्रॉस्पर करने के लिए जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो ये है कि सिक्योर्ड फ्रंटियर्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोहिजन, अंदर की नेशनलिज्म, और फिर आती है आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो ये चीज़ें जो हैं वो चीज़ें जो हैं कभी भी हमें जो है ना वो नहीं मिली, हमेशा ही हमें जो है ना एक डिस्टेबलाइज्ड फ्रंट जो है मिला। अब जहां तक ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डेवलपमेंट का ताल्लुक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जी सारे काम जो है ये पीटीआई गवर्नमेंट नहीं किया, बिल्कुल सही बात नहीं है। सबसे पहले तो जनरल करामत ने इनकी बात की थी कि जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनना चाहिए, जिसकी वजह से नवाज शरीफ ने उनको सैक कर दिया था। फिर जनरल मुशर्रफ जो आए तो उन्होंने 2002 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया। इसके अलावा उन्होंने और क्या चीज़ें की थी, उन्होंने एसपीडी बनाया, उन्होंने ये नेशनल कमांड अथॉरिटी बनाया, स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड बनाई, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाई। ये तमाम चीज़ें जो है ना अगेन सिक्योरिटी रिलेटेड थी, क्योंकि उधर जो है अमेरिका के साथ मिलके जिसने सिविल न्यूक्लियर डील कर ली हुई थी, और वो हर कन्वेंशनल के साथ नॉन अनकन्वेंशनल स्ट्रेंथ को भी जो है ना वो बहुत बढ़ा रहा था। ये फिर 2014 में वो सकत गालबन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल नासिर जंगजुआ थे, उन्होंने शुरुआत की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने को, लेकिन कुछ वजूहात की बिना जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो अब जो है ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहित साहब है, सिक्योरिटी डिवीजन भी जो है पहले बन गया था नवाज शरीफ के वक्त में, तो वो उसके तहत जो है ये चीज़ें अब बनी है। फिर आपको याद होगा कि 2015 जनवरी में नेशनल एक्शन प्लान भी बना था वो पेशावर के वाक्य के बाद। लेकिन वो बात सारी तो ये आ जाती है ना कि ये जो अभी हमने इस वक्त जो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट करने का इरादा किया है, तो ये तो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। आप ये देखें कि ग्लोबल पावर्स जो हैं वो भी इस तरफ शिफ्ट कर गई हुई हैं। अब अगर वो एशिया पिवट की बात करता है, इंडो पैसिफिक पिवट की बात करता है अमेरिका, तो वो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है ना जी। तो यही ऐसा हुआ है। तो फिर ये है कि जहाँ तक ये कैसे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ताल्लुक है, इसकी कोई को कहते हैं 100 पेज है या 66 पेज है, उसके 8 सेक्शन हैं, उसमें हर एस्पेक्ट कवर है। लेकिन ये है कि उन्होंने प्रायोरिटी ह्यूमन सिक्योरिटी को दी है, और उनका आर्गुमेंट, मेन आर्गुमेंट ये है कि अगर हम जो है ये इकोनॉमिक्स को और ह्यूमन सिक्योरिटी को हम ठीक कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी सिक्योरिटी जो है ना वो भी ये मजबूत और फाल हो जाएगी। बात सारी ये लॉजिकल है, लेकिन यहाँ पर बात सारी ये आ जाती है कि क्या आपके जो हरीफ हैं, जो दुश्मन हैं, क्या आपको ये इतना स्टेबिलिटी देंगे, इसके लीवे देंगे कि आप आराम से अपने जियो इकोनॉमिक्स ठीक करते रहें, ह्यूमन सिक्योरिटी ठीक करते रहें? वो तो कभी नहीं देंगे, वही करते रहे ना 75 साल 74 साल, वो आज भी करेंगे और कल भी वो ये कर रहे हैं। फिर अगली बात आ जाती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जो कि सबसे कमज़ोर हमारा जो है, हमारे लॉज बहुत ज़्यादा हैं, हमारे सब चीज़ें हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। क्या ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी जैसे हम ये चाहते हैं, जैसे इन लोगों ने इसमें लिखा हुआ है सारा है? तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुश आइन बात है, ये ज़रूर होगी। आखिर में मैं चंद एक गुजारिशात इसके सिलसिले में करना चाहता हूँ कि गो के ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट को इन्होंने कूदे को दरिया में बंद किया है, इसमें 18 मिनिस्ट्री लगी, 600 एक्सपर्ट लगे, आर्मी नेवी एयर फोर्स के एक्सपर्ट्स जो है ना उनकी इनपुट इसमें शामिल थी, कॉम्प्रहेंसिव पेपर है, लेकिन चंद एक चीजें मेरे लिहाज से मिसिंग है। नंबर वन बात यह है कि हाइब्रिड वॉर, मैं तो पिछले कितने सालों से जो है ना मेरे कान पक गए हैं हाइब्रिड वॉर सुनने का, और मैं मानता हूँ कि सबसे खतरनाक जो हमें इस वक्त जो खौफ है और जो थ्रेट है वो हाइब्रिड वॉर, क्योंकि वो बैटल ऑफ माइंड्स है, आपके माइंड्स को जो है कमजोर कर रहा है, आपकी विल को ख़त्म कर रहा है, आपकी जिहाद को ख़त्म कर रहा है। तो वो उसकी बात तो कोई की नहीं आपने, जो कल्चरल इन्वेजन वेस्ट की और इंडिया की जो कितने सालों से ये हो रही है, और उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है, हमारी मोरालिटी पे पड़ रहा है, उसकी कोई बात नहीं की।
प्रोविंशियलिज्म का जो ये है सारा, हर छोटे सूबों में इतना जो बढ़ गया है उसकी जो बात है ठीक है, वो ह्यूमन सिक्योरिटी में शायद कवर हो जाता हो, लेकिन इसके ऊपर एक खास बात करनी चाहिए थी। और आइडियोलॉजिकल रिफॉर्मेशन की बात उन्होंने की, जब तक आपकी अंदर की आइडियोलॉजिकल रिफॉर्मेशन नहीं होगी, आपकी करेक्टर बिल्डिंग नहीं होगी, आपके अंदर जो ऑनेस्टी का एलिमेंट है वो चीज़ें नहीं आएंगी, तो बाकी सारी चीज़ें तो फिर बेमानी हो जाती हैं। और आखिरी में इंडो यूएस इसराइल नेक्सस एक हकीकत है जी, जो अभी खासकर बलूचिस्तान में हुआ, उसमें अमेरिकन वेपन वगैरह पकड़े गए हैं, उनके इक्विपमेंट पकड़ा गया है, फलाना है, तो ये तो एक छुपी बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है, तो उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? हम सिर्फ खाली इंडिया की बात करके क्यों रुक जाते हैं? ये अफगानिस्तान की बात तो सारी वहां से शुरू होती है। जी जी बिल्कुल ठीक है सर। एक बड़ी दिलचस्प सी बहस जो है वो पूरे मुल्क में छिड़ गई कि जनरल तारिक खान ने एक कॉलम लिखा और फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू भी दिया एक टीवी को, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे उन्होंने बात की। तो सर मैं तो एक बिल्कुल लेमैन हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एनुअली अरबों रुपए का जो बजट होता है वो अवान सदर के लिए, वज़ीर आज़म हाउस के लिए, गवर्नर हाउस वगैरह के लिए एलोकेट किया जाता है। तो सारे अख्तियार जब सिर्फ एक ही अहदेदार के पास है तो हमारे पास ये दो दो अहदे किस लिए हैं? देखिए जी, ये एक बहुत पुरानी डिबेट है जो कि हमेशा गाये बगाये ये चलती रही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम विद अभी प्रेजिडेंशियल सिस्टम या मिलिट्री डिक्टेटरशिप, यही तीन चीजें थी। अब आप ये देखें कि कायदे आज़म के वक्त से जो है, और फिर उसके बाद गुलाम मोहम्मद आए और सिकंदर मिर्जा आए, तो उन्होंने गवर्नर जनरल रूल, वो भी एक प्रेजिडेंशियल सिस्टम की तरह ही था। और फिर जब सिकंदर मिर्जा प्रेजिडेंट बने तो उन्होंने प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी, सारी डिजॉल्व कर दी अपनी असम्बलियाँ। उसके बाद जो कौन आए, अयूब आए, अयूब ने क्या किया, उन्होंने मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है ना वो ना के साथ उन्हें बीडी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर उसके बाद जनरल याह्या ने भी मिलिट्री रूल अपना ढाई साल जो है ना वो कायम वदायम रखा। जेड ए भुट्टो जो है वो जो एक आम पब्लिक सपोर्ट के ऊपर और फलाना सारा कुछ ही बात हुआ तो वो सिविल ऑटोक्रेसी की तरफ वो चल पड़ा, ही वाज अ सिविलियन डिक्टेटर। जल ज़िया ने फिर प्रेजिडेंशियल सिस्टम ले आए, साथ नॉन पार्टी इलेक्शन सिस्टम को वो ले आए। फिर आपका आ गया था डेमोक्रेटिक एरा 1988 से 1999 तक, तो वो विक्टिम किसका रहा, 58-2B स्ट्रांग प्रेजिडेंट का, जो कि जल ज़िया का ये तोहफा था। फिर जनरल मुशरफ आए तो वो फिर प्रेजिडेंशियल सिस्टम लाए, लेकिन साथ किसको ले आए, किंग पार्टी को। तो हर एक ने मिक्स किया, कोई प्योर जो है ना प्रेजिडेंशियल फॉर्म या मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है नहीं किसी ने की। तो यहाँ जब तक जहाँ तक ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अब आप देखेंगे दो पार्टी सिस्टम आपका 1988 से शुरू हुआ, वो फेल हुआ तो उन्होंने कहा जी थर्ड फोर्स को ट्राई करते हैं, पीटीआई को ले आए, तो अब ये भी फेल हो रही है। इसके बाद क्या होगा, एक पावर वैक्यूम आएगा, तो पावर वैक्यूम जो सामने नजर आ रहा है इसकी वजह से आजकल ये डिबेट चल पड़ी है कि जी हमें जो है ना ये ना पार्लियामेंट्री सिस्टम बिल्कुल बेकार है, ये हमें कुछ नहीं दे सकता। और हकीकतन ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम जिस फॉर्म में है, ये तो शैम डेमोक्रेसी है, ये तो कुछ भी नहीं दे सकेगा। ये इसी तरह आपके वही चेहरे आते जाएंगे, हेरिडिटरी पॉलिटिक्स जो है ना वो चलती रहेंगी, उसमें तो कोई दमखम नहीं है। लेकिन प्रेजिडेंशियल फॉर्म ने क्या दिया, उनको भी तो आखिर 10-11 साल जो है ना फुल पावर के साथ मिले, तो वो भी तो एक ट्रू डेमोक्रेसी कायम नहीं कर सके, वो भी तो इंस्टीट्यूशन डेवलप और बिल्ड नहीं कर सके। कल आप प्रेजिडेंशियल सिस्टम लाएंगे तो किसको बनाएंगे, जबकि आपके अदारे ठीक नहीं है। टेक्नोक्रेट्स क्या हुआ, अब वो आसमान से उतर के आएंगे, वो भी तो इसी प्रोडक्ट में है। तो आपने तो यहाँ माशरे को पहले ये ठीक करना है, अपनी इंस्टीट्यूशंस को जब तक आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, जिसमें के इम्पॉर्टेंट है जुडिशल रिफॉर्म, इलेक्ट्रल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड अबव ऑल एजुकेशन रिफॉर्म एट द ग्रास रूट लेवल, आप जो मर्जी कर लें, जो सिस्टम मिले हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, थैंक यू सर, वेरी काइंड ऑफ यू दानिश, थैंक यू फॉर द पेशेंस ऑफ फॉर हियरिंग मी, थैंक यू। ये था आज का प्रोग्राम लाइन ऑफ कंट्रोल, अगले हफ्ते कुछ नए मौजूदात के साथ फिर से हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए।